नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में, इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो जलवायु होती क्या है, ठीक है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जलवायु क्लाइमेट है क्या। तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, कोई भी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति जो होती है वो जलवायु होते हैं। जैसे भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ समझेंगे कि भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत क्या है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है? ये इस तरह से ठीक, इस तरह से भारत एक बहुत बड़ा, मोटा मोटी समझ लीजिए, भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसकी अपनी एक जलवायु है जो क्या है, उष्णकटिबंधीय है। उष्ण का मतलब गर्म है, ठीक ना? कटिबंध का मतलब होता है, जैसे ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए ग्लोब है, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गई, ठीक ना? अब भारत क्या है कि यहाँ कर्क रेखा गुजर रही है, यहाँ कर्क रेखा है, ये कौन सी कट, ये क्या है, एक कटिबंध का निर्माण कर रही है, ठीक ना? तो यहाँ पे एक कटिबंध है, अब नीचे इसके यहाँ पे 0 डिग्री जा रही है, ठीक ना? तो ये एक उष्ण कटिबंधीय है, नीचे यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, जो लगभग 876 किलोमीटर दूर है। ये क्या है, एक कटिबंध है, एक कटिबंध है, इसी को बोलते हैं कटिबंधीय। तो कटिबंधीय ऊपर से मानसूनी, मानसूनी समझ लीजिएगा। जैसे आपको पूर्वी प्रशांत महासागर में एक देश है पेरू, जो दक्षिण अमेरिका में है, तो वहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो नीचे से होते हुए यहाँ तक आती है। अब ये भूमध्य रेखा पे क्या होता है कि चूंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो जब घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो इन हवाओं को इधर वापस ढकेल देती है बाएं साइड, किस साइड, लेफ्ट साइड। इसको बोलते हैं फेरेल का नियम। क्या, किसका नियम बोलते हैं, फेरेल का नियम, ठीक ना? फेरेल का नियम कहते हैं। तो इसकी वजह से मानसून जो है भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक ना? अब इसके बारे में देखते, ये भारत समझ गए, उष्ण यानी गर्म कटिबंधीय समझ गए, अब मानसूनी जलवायु है, यानी जलवायु का मतलब लंबे समय तक जो यहाँ पे विभिन्न मौसमों का जो हाल चाल है, ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, तीन, इसके अलावा शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये सारे के सारे मौसम के ही नाम हैं, ठीक ना? ये सारे चीज़ें, तो ये हमारा पूरा का पूरा जलवायु हो जाएगा। चलिए हम आगे चलेंगे, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे मौसम के बारे में कि मौसम क्या है, ठीक ना? मौसम, वेदर के बारे में। तो वेदर क्या होता है, किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए, ठीक ना? किसी स्थान पर थोड़े समय हेतु जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं, ठीक ना? वायुमंडलीय अवस्था होती है, उसी को हम लोग यहाँ पे मौसम कहते हैं, ठीक ना? तो इसकी सबसे पहले भारत में 1875 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई, 1875 ईस्वी में शिमला से की गई, ठीक ना? शिमला से इसकी शुरुआत की गई, ठीक ना? मौसम संबंधी प्रसारण का, और लगभग 1919 ईस्वी में, ठीक ना, इसका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया गया पुणे। तब पुणे से ही, ठीक ना, मौसम संबंधी समाचार प्रकाशित होते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे, अब मौसम संबंधी मानचित्र भी यहीं से आपको प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है कि भारत की जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ देखेंगे जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, पहला मानसून,
पहला क्या है, मानसून। कैसे मानसून प्रभावित करता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा प्यारा ग्लोब, ये है 0 डिग्री, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। अब यूएस से बांट लीजिए, तो चूंकि गोल है तो जब ये हवाएं इधर से जो पेरू के तट से आती है, ठीक है, पेरू के तट से जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना, पूर्वी प्रशांत महासागर में, वो इधर क्रॉस करके जब इधर से आती हैं, भारत का पोजीशन कुछ ये है, तो ये हवाएं इस तरह से आई इधर। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक नियम होता है फेरेल का नियम, ठीक है ना, फेरेल का नियम। फेरेल के नियम के अनुसार 0 डिग्री पे ये लेफ्ट मुड़ जाती है, लेफ्ट में क्या होगी, मुड़ जाती है, तो जो इधर से हवाएं आ रही है वो सीधे इधर आ जाएंगी, तो ये भारत में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे करेगी, केरल में प्रवेश कर जाती है, ठीक ना। अब भारत में प्रवेश कर गई, अब प्रवेश करने के बाद क्या होता है ये भी समझ लेंगे। देखिए एक बार जब मानसून भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक ना, यहाँ प्रवेश कर जाती है, ये 0 डिग्री है, ठीक ना। अब समझेंगे, ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, ठीक ना, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी घाट हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और ये आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, ये आपका समुद्र तटीय इलाके हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे तक ले देंगे, ये समुद्र तटीय है, कोंकण तट है, ये इधर पूरा मावा नहीं मालाबार तट है, कोंकण तट, कनरा तट, ठीक ना, ये पूरा इधर तटीय संकीर्ण पट्टी है। ये मानसून जब आती है तो इधर की भी लहरें आ जाती हैं, ठीक, तो ये अरब सागर की जो लहरें होती हैं वो इस तरफ लगभग 65% बारिश जो होती है ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है 65% बारिश, और लगभग बंगाल की खाड़ी से 35% बारिश होती है जो इस इलाकों में होती है, ठीक है, ये यहाँ समझ गए होंगे क्लियर। और ये पश्चिमी तट से टकरा कर इस इलाके मैंने इस पश्चिमी घाट से टकरा कर इन इलाकों में जम के भारी वर्षा होती है, इसलिए केरल में देखिएगा जून में एकदम पूरा बाढ़ आ जाता है, ठीक है, पूरा हर जगह पानी ही पानी, पूरा जंगल के सांप वाँप सब निकल के शहर में घुस जाते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो ये है पूरा का पूरा मानसून, ठीक है। अब मानसून में थोड़ा और आगे देखेंगे हम लोग, ठीक, जैसे मानसून में कई चीज़ें होती हैं, पहला एक है आपका हिमालय पर्वत, ठीक है, ये क्या है हिमालय पर्वत, ये मान लीजिए नीचे ये मानसूनी हवाएं जो बाई तो यहाँ टकरा जाती हैं, और टकरा के यही घूम घूम के वर्षा कराती है, इधर क्या है वर्षा कराती है, इधर क्या है यहाँ रूस है, इधर चीन है, इधर ठंडा मौसम है, ठंडी जलवायु है, साइबेरिया वाली ठंडी हवा है, तो हिमालय पर्वत उनको रोक देता है। ये करीब 8000 मीटर ऊंचा है, तो ये क्या होता है इधर से आने वाली हवाओं को ये रोक देता है, और यहाँ पूरा मानसूनी वर्षा का क्षेत्र बनाया जाता है, तो एक तरह से ये वृष्टि छाया प्रदेश भी पड़ जाता है। यहाँ एक और चीज़ देख लेंगे हम लोग, ठीक ना। अब राजस्थान में एक है अरावली पर्वत, कौन सी अरावली, अरावली पर्वत जो समानांतर है, क्या है समानांतर है, तो ये हमारे थोड़ा सा लोकेशन बढ़ा देते हैं बढ़िया से, ठीक है। देखिए देखिए ये भारत हो गया, और ये लगभग जो अरावली पर्वत है ये है, ये क्या है अरावली पर्वत, और ये इधर हिमालय हो गया, ये क्या है हिमालय हो गया, तो इधर से जो मानसूनी बारिश होती है ये सीधे पार करके यहाँ पहुँच जाती है। जब कोई इन हवाओं के रास्ते में इस तरह से पहाड़ होगा या कोई पर्वत हो पहाड़ हो जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे अवरोध, तो अवरोध उत्पन्न करेगी तो सारा बारिश यहाँ पे होगा, सारा बादल यहीं पे बरस जाएंगे। और कोई अगर समानांतर है, जैसे अरावली क्या है समानांतर है, ठीक ना, तो समानांतर होने के कारण अरावली के ऊपर ऊपर से हिमालय की तरफ चली जाती है, इसलिए राजस्थान में बारिश
नहीं हो पाती है, ठीक ना। अब चलिए इसमें आगे चलेंगे, तो पहला है मानसून और दूसरा है हिमालय पर्वत की स्थिति। अब यहाँ पे चार ऋतु होती है, पहला है शीत ऋतु, पहला है शीत ऋतु। शीत ऋतु का मतलब हो गया कि 15 दिसंबर से 15 मार्च, ठीक ना, 15 दिसंबर टू 15 मार्च तक। और ये जो है आपका, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आपका करीब 16 मार्च से 15 जून, 16 मार्च से 15 जून। इसके बाद अगला जो है वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो टाइमिंग है ये आपका है 16 जून से 15 सितंबर, 16 जून से 15 सितंबर, ठीक। इसके बाद शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु का टाइम हो गया 16 सितंबर से 14 दिसंबर, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। अब हम लोग समझेंगे शीत ऋतु जो 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु जो 16 मार्च से लेकर 16 जून तक रहती है, वर्षा ऋतु जो 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक रहती है, और शरद ऋतु जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर हल्की हल्की ठंड रहती है, ठीक ना। ये कुछ इस तरह से बांटे गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग समझेंगे, जलवायु के अंतर्गत ही समझेंगे, चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे। उत्तरी भारत में मैदानी भागों में ठंडे के मौसम में बारिश होती है, जैसे ठंड में उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में क्या होगी, वर्षा होती है, ठीक ना। तो इसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या पश्चिमी विक्षोभ, ठीक ना, या फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। ये जो अधिकांश जो बारिश होती है ये आपका जनवरी फरवरी में ही, जनवरी में मान लीजिए, ठीक ना, जनवरी के मंथ होता है। तो यहाँ हम लोग समझ लेंगे कि राजस्थान में इसको मावट कहते हैं, ठीक ना, मावट कहते हैं राजस्थान में। तो हम लोग यहाँ समझेंगे, इधर यूरोप है, यहाँ भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, फिर इधर ईरान है, इधर फिर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब ये जो हमारे हैं वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ तो इधर से आती हैं, यूरोप का भूमध्य सागर पर, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तब भारत में आती हैं। और ये ठंड के दिनों में बारिश होती है, ठीक ना, ठंड के दिनों में बारिश होती है। इसके बाद क्या होता है कि ठंड बढ़ जाती है, इसके बाद क्या होता है ठंड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे एक बारिश हुआ ठंड शीतलहर चलने लग जाती है, ठीक ना, ये चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि लौटती हुई बारिश कैसे होती है, ठीक ना, चलिए देखिए। अगर मॉनसून आई है, आगमन हुआ है, ठीक है, मॉनसून का आगमन, तो इसका प्रस्थान भी होगा या विदाई, ठीक है, विदाई भी होगा। ये तमिलनाडु के तट पर आते समय केरल के तट पर, और जाते समय तमिलनाडु के तट पर जमकर बारिश कराती है, जमकर बारिश करती है, जिसको आम्र वर्षा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर बोलते हैं, पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर, ठीक है, कहीं कहीं काल बैशाखी, ये बंगाल में बोलेंगे, ठीक है। कर्नाटक में इसे हम कॉफी वर्षा बोलेंगे, कॉफी वर्षा बोलते हैं, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ दो चीज़ें और समझ जाएं, तो जाता है केरल में आम्र वर्षा भी होती है,
ठीक है। अब यहाँ कुछ और चीज़ें भी हम लोग समझ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। ये जो जाती हुई लौटती हुई है, इसे उत्तर पूर्वी, ये प्रस्थान जब होगा इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम और कुछ चीज़ें इसमें और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दिनों में लू चलती है, तो लू तो कॉमन सी बात है, गर्म शुष्क हवा है, अधिकांश लोग जानते हैं, ठीक ना। एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे, एक ग्लोब बनाते हैं, यह है 0 डिग्री, यह है कर्क रेखा और यह है मकर। ये इलाका गर्म है, ये इलाका गर्म है और ये क्या है, ठंडा है, ठीक है। यहाँ आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको मानसून गर्त बनता है, ठीक है। इसका संबंध दो चीज़ों से है, पहला मानसून गर्त से और दूसरा NITC, NITC या ITCZ, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ा देंगे, विस्तार से यहाँ समझ लेंगे। कई बार ये वाला इस तरफ चला जाता है ठंडी इलाकों में, ठंडी इलाकों में, तो जब ठंडी इलाकों में जाता है तो स्थिति असामान्य हो जाती है, तो क्या होगा, एल नीनो आता है। क्या आता है, एल नीनो, एल नीनो, ठीक है। एल नीनो जब इन इलाकों में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है ठंडा और गर्म होने की वजह से यहाँ वर्षा होगा, ठीक ना, चक्रवात उठेंगे, बाढ़ आती है, ठीक ना, बाढ़ आती है, समुद्री जो पानी है, समुद्री वाष्पन बढ़ेगा, ठीक, बादल बनेगी, बादल बनेगी तो फिर जमकर बारिश होगी, घनघोर बारिश होगी। यहाँ पे जब इस तरह की हरकत होती है तो यहाँ एक और चीज़ होता है, समुद्र में पाई जाती है पलवक। पलवक क्या होती है कि उसे मछलियाँ खाती हैं। अब इस तरह से जब जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग टाइप का कुछ होगा, ठीक ना, गर्म जो जहाँ बहती वहाँ न बह के इधर बहने लगे, ठीक ना, या नीचे की ओर बढ़ने लगे, या हम्बोल्ट धारा को परिवर्तित कर दे, ठंडी जो पेरिवियन धारा परिवर्तित कर देती है, तो यहाँ मछलियों की संख्या कम पाई जाती है, क्योंकि जो ठंडा वाला मरुस्थल है, यहाँ आर्कटिक है या फिर प्रशांत महासागर है, वो उसका तापमान बढ़ा देती है 10 डिग्री तक, जिससे पलवक की कमी हो जाती है और मछलियों को भोजन नहीं मिलता, तो मछलियों की संख्या भी यहाँ पर कमी पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और दो चीज़ें हैं, उसे भी क्लियर कर दें। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा मौसम राम में बारिश होती है। मौसम राम ये कहाँ है, मेघालय में, मेघालय, मेघ यानी बादल, आलय मैंने कहा जहाँ बादलों का घर है, तो बादलों का घर क्यों है, क्योंकि यहाँ गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना। और ये पहाड़ियाँ क्या है, पूरा बादलों को कैप्चर कर लेती है, इसलिए मानसून राम में लगभग 1141 सेंटीमीटर, कितना, 1141 सेंटीमीटर विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, ठीक ना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी समझ जाते हैं यहाँ पे। एक और चीज़ समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में कम्प्लीट ही कर देते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या है, ठीक ना। दक्षिण पश्चिम मानसून ये आपका जून से लेकर सितंबर तक, जून से सितंबर तक, और देश में 73% जो रेन है, 73% जो बारिश है, इसकी वजह से होती है। इसके बाद एक और है परवर्ती मानसून का, ठीक ना, परवर्ती मानसून का ये जो है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से
दिसंबर तक लगभग देश में 13% बारिश होती है, पूरे देश में 13% बारिश होती है। इसके बाद है पूर्व मानसून का, तीसरा है पूर्व मानसून का, इसका टाइम है मार्च से मई तक, ठीक है ना, मार्च से मई तक पूरे देश में लगभग आपका 10% बारिश होती है, 10%। इसके बाद एक और चीज़ें हैं, शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, ठीक ना, उत्तर पश्चिम मानसून या शीत ऋतु, ये मात्र 2.6%, ठीक ना, 2 से 3 वाली, ठीक ना, और ये जनवरी, ये आपको जनवरी के महीनों में होती है, ठीक ना, ये चीज़। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से लेकर सितंबर तक है, ठीक ना, इसमें हम देखेंगे 73% बारिश होती है। अब यहाँ पे पर्वर्ती मानसून यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच देश में 13% बारिश होती है, और पूर्व मानसून जो मार्च से मई में होती है 10% होती है, और ठंड के दिनों में उत्तर पश्चिम मानसून की वजह से शीत ऋतु में 2 से 3% जनवरी में बारिश होती है, ठीक ना। एक और चीज़ हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंट है, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक ना। देखिए पहाड़ के उस तरफ कभी भी बारिश नहीं होगी, जैसे ये पश्चिमी घाट है, यहाँ सारी बारिश तो इधर ही हो गई, ठीक है, ये वृष्टि छाया में पड़ जाता है, वृष्टि छाया यानी पहाड़ के इधर वर्षा हो रही है और इधर वर्षा नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया। तो वैसी वृष्टि छाया जो है तमिलनाडु में अक्सर होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा यहाँ पे कम बारिश होती है। तो इधर कम बारिश होती है, यहाँ होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि तमिलनाडु में जो शरतकालीन वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून है, ठीक ना। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से शरतकाल में, ठीक ना, जो बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है, ठीक ना। अभी इसको रिट्रीट मानसून यानी लौटती हुई वर्षा भी बोलते हैं, ठीक ना, रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, यानी मानसून प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। जब ऐसा होता है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात भी उठते हैं। तो अरब सागर में अगर चक्रवात उठेंगे तो गुजरात के तटों को नुकसान पहुंचेगी, और बंगाल की खाड़ी में उठेंगे तो कहीं ना कहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों को नुकसान पहुँचते हैं, ठीक ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है जलवायु इसका कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक ना। एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट जो छूट रहा था, चलिए बता देते हैं, यही है, चलिए। यहाँ देखिएगा जब मॉनसून आती है, ठीक ना, ये पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट, तो ये जो मॉनसून आए इधर से इधर अरब सागर वाली है, इधर बंगाल की खाड़ी वाली है, ये दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक ना, एक हिमालय से और इधर नॉर्थ में चले जाएगी। तो पश्चिमी घाट से एक होते हुए बीच में जो सकरा पट्टा हिस्से होते हुए ऊपर राजस्थान तरफ चली जाएगी, एक इधर से तमिलनाडु होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा होते हुए इस तरफ निकल जाती है, ठीक ना। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब मानसून आ रही है देश में आ रही है तो लौटेगी भी, तो जब जाएगी इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे, जब आगमन होगा, जब आगमन होता है, जब जाएगी तो उत्तर पूर्वी मानसून यानी विदाई के समय, प्रस्थान के समय बोलेंगे, क्योंकि ये पूरे देश में घूमी फिरी फिर नॉर्थ ईस्ट होते हुए तमिलनाडु में बारिश कराते हुए चली जाती है, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि आज जलवायु कंप्लीट की है। लाइक अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी बताइए, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।